गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रेगुलेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जिहड़ी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कीतियां जांदियां ने पुत्तर जी, उन्हां दी डिस्कवरी दे नाल दे हैव मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब फायदेमंद डिस्कवरीज होईयां ने 20 सेंचुरी दे विच, जिन्हां ने ह्यूमन सोसाइटी नूं बहुत वेलफेयर लई काम कीता. ह्यूमन सोसाइटी दे एंटी मीनिंग, नाउ दे आर टेलिंग यू द मीनिंग. Anti is a Greek word that means against. Bio means life. Antibiotics means, anti means against, bio means life. जड़े microbes ने, ठीक है, microorganism दी जड़ी life आ, उन्ना दे against जड़ियाँ medicine बढ़ियाँ ने, उन्ना नू खत्म करन वास्ते, that are antibiotics. These microbes are disease causing organism. They mean against life. Where with reference to human being, they are pro-life and not against. Par oh kanda against life kinna di ne? These are the against life of microbes. Not of the human. If a human life, they are pro-life. Means life den waliyan ne. Microorganism di life de against ne. These are chemical substances that are produced by some microbes and can kill the growth of other microbes. Antibiotics oh substances hain jinna nu produce bhi microbes karde ne te khatam bhi oh microbes nu karde ne. Ek microbe nu produce karde ha te dusra microbes aa jehda disease causing ohnu eh khatam kardiyan ne. The commonly used antibiotic penicillin. Do you know penicillium first antibiotic si jehdi discovery hoi si gi? Theek ha, Alexander Fleming jadon kam kar reha si streptococcus bacteria te. Theek ha, Alexander Fleming scientist ha that is working on streptococci bacteria. Once observed a module growing in one of his unwashed culture plate around which streptococci did not grow. उन्हें की देखिया जदों streptococci bacteria दे उत्ते काम कर रहा सी उदी एक plate दे विच, ठीक है, mold grow करन लगी. mold की हुंदी है उल्ली वर्गी चीज, ओ grow करन लगी. जदों mold grow करन लगी तो उस जगह दे उत्ते जिहड़े आ streptococcus bacteria सी, स्टेप्टोकोकी बैक्टीरिया दैट कॉजेज द निमोनिया. निमोनिया करते ना पढ़े आप अगर स्टेप्टोकोकी निमोनिए, ठीक है, तो जो स्टेप्टोकोकी निमोनिया करने वाला बैक्टीरिया आ वो उत्थे की हो गया, वो उत्थे ग्रो होना रुक गया, वो उत्थे ग्रो नहीं कर सकया. उन्हें देख उन्हें वो प्लेट अनवाश्ड सी मतलब कि एक्सपेरीमेंट क्या कर रहा सी, एक प्लेट उन्हें साइड पर रख दी, अगर नैक्सट कर लग गया वो साइड वाली प्लेट उन्हें किन्ने दिन बाद देखी कि उहदे ते एक मोल्ड ग्रो कर रही है ते उस दे नाल उत्थे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे. ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू ए कैमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड नेम्ड इट पेनसीलियम. तो उन्हें दसिया भी कोई कैमिकल प्रोड्यूस कर रही है जिदे करके बैक्टीरिया नहीं ग्रो करके उहदा नाम ने रखता पेनसीलियम. आफ्टर द मोड्यूल पेनीसीलियम नोटेटम, क्योंकि जिहड़ी वो मोल्ड पैदा हो रही सी, ठीक है, मोल्ड का नाँ सी पेनसीलियम नोटेटम, तो उहदे करके उन्हें जिहड़ी उहदे तो मोल्ड तो एंटीबायोटिक बनी उहदा नाम भी उन्हें की रखता, उहदा नाम भी उन्हें पेनीसीलियम रखता है. However, it is full potential is an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and the Howard Florey. पर उदा पूरा इफेक्टिव उदी पूरी स्ट्रेंथ फुल पोटेंशियल उदी पूरी स्ट्रेंथ उदी पूरी पावर किसी भी डिजीज़ नू खत्म करन दी ए दो साइंटिस्ट अर्नेस्ट चेन ते हावर्ड फ्लोरी ने बाद दे विच तैयार की थी.
The antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. पहली बार एंटीबायोटिक ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स उदों यूज़ किया जदों वर्ल्ड वार सैकेंड सी अमरीका दे जड़े सोल्जर सी उन्होंने जख्म ठीक करने दे लई। फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरी वर अवार्डड द नोबल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। इस कवरी लई इस दे लई उन्होंने 1945 दे विच दोनों साइंटिस्ट नूं अवार्ड मिलिया नोबल प्राइज। आफ्टर पेनसीलियम तो अगे मुत्र जी अदर एंटीबायोटिक्स वर आलसो प्यूरीफाइड फ्रॉम द अदर माइक्रोब्स। होर एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई। एंटीबायोटिक्स हैड ग्रेटली इंप्रूवड अवर कपैसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज। एंटीबायोटिक्स होने नाल असी जड़ियाँ डेडली हुंदा वो डिजीज़ जड़ियाँ बहुत खतरनाक ने उन्होंने जित प्राप्त कर ली, सच एज प्लेग, वूपिंग कफ। प्लेग तो खत्म ही हो गई है, ठीक है। काली खंघ कहने, काली खांसी जिन्हों, डिपथीरिया गलकुट तो कहते हैं, ठीक है। लैपरोजी कोहड़ का रोग होंगे, कुष्ट रोग। दीज आर यूज टू किल मिलियनज आल ओवर द ग्लोब। इन्होंने सारे वर्ल्ड के मिलियनज लोगों मारिया तो एंटीबायोटिक नाले खत्म हो गए। प्लेग टोटली खत्म हो गई, लैपरोजी कोहड़ का रोग खत्म हो गया। हजे थोड़ी थोड़ी काली खांसी तो डिपथीरिया की माड़ी मोटी प्रॉब्लम नहीं, वैसे गलकुट भी खत्म हो। So these are the antibiotics that are prepared by the microorganism that are beneficial for us.